हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ग्रुप डी के ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 में होने जा रहा है, जिसमें 11,000 वैकेंसीज लेके इस बार रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे 8 पास कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस, कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होगा। एंड लास्ट डेट जो है 2 मई 2024 तक रखा गया है। ग्रुप डी के इस पोस्ट के लिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो इनके लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एक एक जानकारी भी यहाँ पे दिया गया है। एक एक अपडेट आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। ग्रुप डी के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको सारे जानकारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की अपडेट। यहाँ पे इस बार ग्रुप डी सिविल सर्वेंट के ऊपर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 क्लास पास होना चाहिए। अगर आप 8 पास है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड अप टू 55 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते वो लोगों को मैं ये बात बताऊँगा कि आप लोग 55 ईयर्स तक यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रुप डी के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एक बहुत बढ़िया अपडेट है, तो जिसमें आकर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे पूरा जानकारी भी दिया गया है फॉर्म को फिर आप किस तरह से करना है सब कुछ। तो 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन करने के अलावा भी यहाँ पे आपको एज रिलैक्शन मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप लोग आपका एज रिलैक्शन भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एज रिडक्शन की अगर बात किया जाए तो SC ST वालों को लिए, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक की एज रिडक्शन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को ग्रुप डी के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए और भी बहुत सारे अपडेट दिया गया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो सैलरी है, मिनिमम 17,000 to 21,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा फ्रॉम मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके एंड इंटरव्यू के ऊपर बेस करके, तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनको मैंने जैसे कि बताया है, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस यू कैन अप्लाई ईजिली हेयर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म को ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा। यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।